हाय एवरीवन, आज मैं वर्तिका आप लोगों के साथ नए पांच प्रोडक्ट्स को यूज़ करके दिखाने वाली हूँ, अपना फर्स्ट इम्प्रेशन शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पर बेस मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स हैं मेनली, जैसे कि प्राइमर है, फाउंडेशन है, कंसीलर है, बनाना पाउडर है, देन ऑल्सो आई डू हैव दिस मेकअप रिवोल्यूशन सोफेक्स स्पाइस पैलेट। तो इन पांचों प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मेरी वीडियो के टाइटल को क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिखेगा, ब्लू लिंक्स दिखेंगे प्रोडक्ट के नाम के साथ, वहाँ से आप इनके बेस्ट सेल प्राइसेस चेक कर सकते हैं और वहीं से आप इन प्रोडक्ट्स को चाहें तो खरीद भी सकते हैं। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज किया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी पैक का पोर प्राइमर लगा रही हूँ एंड ये दिखने में एकदम से बेनिफिट के प्रोफेशनल प्राइमर जैसा लग रहा है। और मैंने श्रेया जैन के वीडियो में एक बार देखा भी था कि दैट दिस इज़ द परफेक्ट ड्यूप फॉर बेनिफिट प्रोफेशनल प्राइमर। एक्चुअली बेनिफिट प्रोफेशनल प्राइमर बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, पोर्स को बहुत ही अच्छे से स्मूदन अप कर देता है। बट वो प्राइमर ना क्रुएल्टी फ्री नहीं है, प्लस वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइमर है। सो काइंड ऑफ वैसा ही फील हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास है बेनिफिट्स का भी, क्योंकि तब मुझे क्रुएल्टी फ्री वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि एनिमल टेस्टिंग क्या है क्या नहीं है, तो मेरे पास था वो प्राइमर पहले। बट अभी मैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ कि एनिमल्स पर टेस्टेड ना हो। तो पैक एनिमल पर टेस्टेड नहीं है, क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है एंड डैम मेरा चेहरा एकदम से स्मूदन अप हो गया है और मेरे पोर्स भी फिलअप हो गए हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे मेरे पास ये एली गर्ल का प्रो कवरेज फाउंडेशन, जिसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा थिन है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। पम्प पैकेजिंग में आता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एली गर्ल इज अगेन अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड। मेरा जो शेड है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई थिंक इट मैचेस टू माई स्किन परफेक्टली। हल्का सा येलो अंडर टोन है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा एक बार लगाते टाइम इसकी स्मेल उतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट आई एम श्योर ये चली जाएगी। आई नो बहुत लोगों का फेवरेट फाउंडेशन है ये, तो ऐसे ही तो नहीं होगा। ये फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा आसानी से मेरे चेहरे में ब्लेंड हो रहा है। ऑल्सो बहुत ज्यादा पतली सी लाइट सी लेयर आ रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज ये फिर नेचुरल फिनिश दे रहा है बिल्कुल ही सही वाला एंड ज़रा सा भी केकीनेस नहीं आ रहा है बिल्कुल, मतलब नन्ना सा भी केकीनेस नहीं आ रहा है। फील्स लाइक दिस इज़ माई ओन स्किन, बिल्कुल मेरी अपनी स्किन हो ऐसा फील हो रहा है। फाउंडेशन का फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इट्स एन इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, तो ऑब्वियसली ड्राई और केकी होना बनता भी नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ग्लो अलग से कुछ आ रहा हो। हैज़ अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ फिनिश, पूरा फुल कवरेज नहीं है, जस्ट हल्का सा मेरा स्किन जो है इवन आउट और नेचुरली ब्यूटिफुल लगे ऐसा हो गया है। बट जैसे मेरा रेड पिम्पल मार्क है ये नहीं छुपा है, मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हाइड हुए हैं, स्किन इवन और ओवरऑल अच्छी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। फॉर दैट नेचुरल फिनिश काफ़ी अच्छा है। बट खैर अभी मैंने जस्ट एक ही लेयर लगाया है, एक और लेयर भी लगा के देख लेती हूँ। इन एनी केस बिल्कुल भी ड्राई और केकी ये फाउंडेशन नहीं हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, अदरवाइज मेरे चेहरे पे बहुत ही इजीली ड्राई एंड केकी हो जाता है और पोर्स में भी फंसता है। पोर्स में नहीं फंस रहा है, यानी कि प्राइमर ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। सेकेंड लेयर भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गई है एंड बिल्कुल भी केकी या ड्राई नहीं हुआ है। सो इस फाउंडेशन को बिल्ड करना पॉसिबल है, बट ओवरऑल जो कवरेज है वो मीडियम तक आया है, बिल्कुल फुल कवरेज नहीं आया है। बट दिस इज़ समथिंग विच आई पर्सनली रियली लाइक। मुझे नेचुरल फिनिश फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिससे मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेटेड और अच्छा सा लगे और बिल्कुल इवन लगे एंड शेड मैच्ड विद माई स्किन लाइक बिल्कुल परफेक्टली। सो बहुत सही लग रहा है। मेरा जैसा स्किन टोन है, अगर आपका विद लिटिल बिट ऑफ येलो अंडरटोन then this shade is going to suit you for sure. And then next अब मेरे पास है ये स्टेक वर्की का हाइड माई हिकी कंसीलर, जिसका शेड आई थिंक की
मेरे स्किन टोन से जरा सा लाइट हो सकता है या मेरे स्किन टोन जैसा होगा। एंड ये पेन में से इस तरह से कंसीलर अब बाहर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंसीलर का जो शेड है मेरी स्किन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जस्ट अ लिटिल बिट लाइट, जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा कलर है। हैज़ अ नाइस वॉर्म येलो अंडरटोन एज वेल। दूसरी साइड एक बार के लिए नहीं लगाती हूँ, जस्ट मैं इसको अपने हाफ साइड ऑफ फेस पर एक बार लगाती हूँ सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस, लाइक अंडर आइज के डार्क सर्कल्स कितने कवर हुए। एंड ऑल्सो दिस इज़ आई हाइड माई हिक्की कंसीलर, तो मैं अपने इस हिक्की को हाइड कर लूँ जरा, जो रेड कलर का पिंपल इतने अच्छे से चमक रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एंड रेड ब्लड वाला कंसीलर पिंपल था, तो इस वजह से पूरी तरह से तो इस कंसीलर से नहीं हाइड हो पाएगा बिकॉज बिल्कुल पॉपिंग रेड कलर है, बट स्टिल काफ़ी हद तक इसका कलर जो है लाइट हो गया है। कंसीलर का जो पैकेजिंग है दैट इज़ वेरी मच अडोरेबल एंड इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे है, और बहुत ही ज़्यादा स्मूद एंड क्रीमी है, वेरी ईजी टू अप्लाई, पेन वाला पैकेजिंग टोटली फंक्शनल है। सो अभी अगर ध्यान से देखते हैं तो थोड़ा सा डार्क सर्कल इस कंसीलर से हाइड हुआ है, ये साइड का फिनिश बेटर हो गया है। एंड अभी मैं इधर भी ट्राई करती हूँ। बहुत ही लाइट हैंडेडली मैं ब्यूटी ब्लेंडर को चला रही हूँ। अब ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हाइड हो ही गया है हिक्की मेरा पिंपल। बिल्कुल अच्छे से कवर हो गया है वाला डार्क सर्कल मेरा, बहुत अच्छा फ्लॉलेस फिनिश आ रहा है। एंड नाउ टू सेट माय बेस मेकअप, यहाँ पर मेरे पास है ये रिवोल्यूशन का बेक एंड ब्लॉट बनाना पाउडर, एंड आई थिंक इसके साथ स्पंज नहीं आया है, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस थिंग अप, तो मे बी इसके साथ स्पंज नहीं आता होगा, तो मैं अपना दूसरा मेकअप रिवोल्यूशन के पाउडर के साथ जो स्पंज आया था वो यूज़ कर रही हूँ, या कोई भी सिंपल स्पंज या ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश आया है, 100% फुल कवरेज यहाँ पे मुझे मिल गया है, वेरी वेरी स्मूथ एंड नाइस। मेकअप रिवोल्यूशन के बनाना पाउडर्स जो ये होते हैं ना कॉम्पैक्ट फॉर्म के, दीज आर ऑलवेज द बेस्ट, सो ये वाला पर्टिकुलर वर्जन मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम वेरी 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 मच इम्प्रेस्ड। बहुत ही ज़्यादा स्मूद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो रहा है, आई एम लविंग द फिनिश सो मच, इतनी ज़्यादा कवरेज मिली है एंड इतने अच्छे से अप्लाई हो गया, वाओ। जो भी ज़रा से भी पोर्स ओपन थे या कुछ भी ज़रा सा भी दिख रहा था ना, वो बिल्कुल अच्छे से स्मूदन अप हो गया, दोनों साइड ऑफ फेस में मुझे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। आई डोंट नो कैमरा पे इतना विजिबल है या नहीं, बट मिरर में मैंने देखा है एंड रियल लाइफ में इट इज़ वेरी मच ऑफ अ क्लियर डिफरेंस, बहुत सही है ये कॉम्पैक्ट, बहुत डेफिनेटली आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इन द लिस्ट ऑफ माई न्यू टॉप फेवरेट कॉम्पैक्ट। टाइम टू यूज मेकअप रिवोल्यूशन का सोफिक्स पैलेट, जिसको यूज करने के लिए मैं इतने दिन से एक्साइटेड थी कि बहुत सारे मैट हैं, कुछ शिमर्स हैं जैसे आप देख सकते हैं, एंड मैं एवरी डे और ये रेड वाला और कुछ ये ट्रांजिशन लाइन्स वाले शेड यूज करना चाहती हूँ। आई थिंक मुझे पहले रेड लेकर के अपना क्रीज बिल्ड करना चाहिए, तो मैं सिंपल ब्रश से जस्ट थोड़ा सा रेड कलर ले रही हूँ बिकॉज आई नो कि ज़्यादातर मेकअप रिवोल्यूशंस की पैलेट की पिगमेंटेशन अच्छी होती है, तो ज़रा सा ही मैंने लिया है यहाँ पे, एंड यस इसकी अच्छी है पिगमेंटेशन, बट ये उतना रेड आया नहीं है क्योंकि मेरा ब्रश पे पहले ब्लैक लगा हुआ था एंड मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा रेड कलर है, अब ब्लैक वाला कलर चला गया होगा ना, तो अब अच्छे से इसका कलर समझ में आएगा। इसको ट्रांजिशन लाइन पे लगा रही हूँ मैं, जहाँ से मेरा आईलेट स्टार्ट होता है वहाँ पे ट्रांजिशन लाइन पे लगाने के बाद अब मैं इसे फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। और थोड़ा सा रेड अब मैं दूसरे वाले ट्रांजिशन लाइन में लगा रही हूँ एंड फिर इसको मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से स्लोली स्लोली
ब्लेंड कर रही हूँ, सर्कुलर मोशंस में ब्रश को घुमाते जा रही हूँ और चलती जा रही हूँ ट्रांजिशन लाइन के ऊपर। अब मैं बिल्कुल ज़रा सा अपने फ्लफी ब्रश के ऊपर ये रनिंग लेट पीच टाइप का जो शेड है ये ले रही हूँ, बहुत हल्का सा लेना है मुझे। एंड इसको मैं रेड के ऊपर की तरफ लगा रही हूँ सो एज टू ब्लेंड द रेड विद माई स्किन टोन। पहले भी ट्रांजिशन लाइन पे ये पीच कलर के बाद फिर रेड लगाया जा सकता था, आई एम जस्ट डूइंग इट इन अ रिवर्स वे। सो अच्छा सा एक ब्लेंडेड इफेक्ट यहाँ पे आ गया है, अच्छा सा कलरफुल सा ट्रांजिशन लाइन का इफेक्ट आ रहा है, आई एम लविंग इट। एंड देन अब मैं लेती हूँ साइड में ये रेप्यूटेशन नाम का शेड है, ब्लैक कलर का मैट वाला, थोड़ा सा लूँगी और अप्लाई इट ऑन माई आउट कॉर्नर और इसको फिर मैं ब्लेंडिंग वाले साइड से ब्लेंड कर रही हूँ। आई शेडो के कलर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, बहुत आराम से ब्लेंड हो रहे हैं, बहुत ही ईजीली अप्लाई हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड होकर कितना प्यारा लुक आ रहा है। अगर आपको इस स्मोकी लुक को और भी ज़्यादा इंटेंस करना है तो ऐसे ही ब्लैक लेकर के और भी ज़्यादा इंटेंस किया जा सकता है, बट मुझे लग रहा है कि इतना सफिशिएंट इनफ है। अब नेक्स्ट मैं ये एवरीडे नाम का जो शेड है पिंकी सा शिमर वाला ये ले रही हूँ फ्लैट ब्रश पे। ओके, इट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी शीन है इसमें। मैं इसको अपने हाफ इनर साइड ऑफ आईलिड पर लगा रही हूँ। आई टेक केयर कि जो मैंने ट्रांजिशन लाइन में पिंक एंड रेड बिल्ड किया उनके ऊपर की तरफ ना जाए, काइंड ऑफ फेकिंग अ कट क्रीज हेयर। और जहाँ पे जो ब्लैक आ गया है वहाँ पर मैं रुक गई हूँ और ब्रश के अपोजिट साइड से ब्लैक और इस पिंकी सिल्वर को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। And this is how my eye makeup looks now. I am 100% satisfied with it. बहुत ही ज़्यादा अच्छा palette लगा मुझे and eye makeup भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आज मैं कोई eyeliner या फिर काजल नहीं लगाने वाली हूँ, I'm just gonna go and apply some mascara on my upper lashes and lower lashes as well. So मैंने इस एक आई पे मस्कारा लगाया है एंड एक पे नहीं लगाया है, एंड यू कैन टोटली सी द डिफरेंस दैट मस्कारा एक्चुअली हेल्प सो मच। अगर आईलाइनर काजल नहीं भी लगाया है तो भी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है अगर एक अच्छा सा मस्कारा आप लगाएं। वैसे तो आई डू हैव हाईलाइटर ब्लशर एंड कॉन्टोर एंड मेकअप फिक्सर ऑल्सो जो मैंने नहीं यूज़ किया है, बट वो अलग वीडियो में देखते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए ना मुझे बस इतने ही 5 प्रोडक्ट्स को ही टेस्ट करना है सो दैट आई कैन गिव यू गाइज द बेस्ट ऑफ रिव्यू। सो दिस इज़ द कम्प्लीटेड लुक। आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी टर्न आउट हुआ है एंड इनफैक्ट पूरा बेस मेकअप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड सभी प्रोडक्ट से मैं काइंड ऑफ इक्वली इम्प्रेस्ड हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है आई शेडो पैलेट, फाउंडेशन इज़ गुड, प्राइमर इज़ डैम गुड एंड कंसीलर्स आर रियली नाइस एंड स्पेशली फॉर द प्राइस दे आर गुड इनफ। एंड देन द कॉम्पैक्ट इज़ विनर ऑफ द गेम फॉर टुडे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है कॉम्पैक्ट की। तो सो सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको लाइन वाइज मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको प्लीज़ आप क्लिक करके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा एंड वहीं से आप खरीद भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए।